What is commutation relation? Commutator or the commutation is an operation between the two operators. दो ऑपरेटर जो होते हैं ये वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं कि वेव फंक्शन जो हमारे पास किसी भी पार्टिकल का जो उसकी वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो कहते हैं कि कम्यूटेटर और कम्यूटेशन जो है ये एक ऑपरेशन होता है बिटवीन द टू ऑपरेटर्स. फॉर एग्जाम्पल वो ऑपरेटर जो है वो ए और बी ऑपरेटर है. इट कैन बी रिटन, उसको हम कैसे लिखेंगे, ये ऑपरेटर्स को हम कम्यूटेशन या द कम्यूटेटर के फॉर्म में हम इसको स्केयर ब्रैकेट्स के में लिखेंगे. एंड डिफाइंड बाय द इस तरह स्केयर ब्रैकेट्स ए ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर इंटू उसके बाद इज इक्वल टू ए ऑपरेटर माइनस बी ए बी माइनस बी ए. तो ये हमारे पास बन जाएगा कम्यूटेटर आर द कम्यूटेशन ऑपरेटर. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर लें. एमसीक्यूज लास्ट टाइम पीपीएससी 2017 के पेपर में ये एमसीक्यूज पूछा गया था, इसको आप लाजमी कीजिएगा. अब नेक्स्ट देखते हैं इनकी फर्दर. टू ऑपरेटर ए एंड बी आर सेट टू बी द कम्यूट इफ देयर कम्यूटेटर आर इक्वल टू जीरो. वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो वो कम्यूट या कम्यूटेटर आ जाएगा. इस तरह ऑप्शन आए हुए थे एमसीक्यूज में. तो ए बी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन ए. तो ए बी इज इक्वल टू बी ए. तो एन ऑपरेटर कम्यूट विद इटसेल्फ ए ए, तो ये ए ए बन जाएगा तो उसके मुताबिक जीरो हो जाएगा. तो उसके मुताबिक एक्स उसके बाद पी वाई इज इक्वल टू जीरो. ये एग्जांपल देखिए यहाँ पे समझाया गया है. टू ऑपरेटर ए एंड बी आर सेट टू बी द एंटी कम्यूट इफ देयर कम्यूटेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो. अकॉर्डिंग टू दिस नॉट इक्वल टू जीरो. ए बी इज इक्वल टू बी ए नॉट इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू दिस. तो उसकी एग्जांपल दी हुई यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और उसके बाद लीनियर मोमेंटम और ये माइनस ही होता है एच कट. ये एग्जांपल दी हुई सर यहाँ पे ऐसे एग्जांपल दी, इस तरह इसकी एग्जांपल दी हुई. और इनकी फिर आगे फर्दर इम्पोर्टेंस क्या है, उनको रिलेट किया हुआ है यहाँ पे मोमेंटम के साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस. तो इसका आप देखेंगे इसका मतलब कि फर्स्ट रिजल्ट उसके बाद प्रूव करके क्या उसके इक्वल आता है या नहीं आता, ये इस चीज को हाईलाइट कर लें. ये एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह आते हैं तो ये बस इसको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है. अगर आप एग्जाम वगैरह देना मतलब अगर एग्जाम वगैरह अगर आपका हो रहा है तो फिर आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए. अगर आप किसी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जस्ट इसके रिजल्ट्स आने चाहिए. तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग और उसके बाद एंड रिजल्ट देखें. इसका ये प्रॉपर्टीज है यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे या जस्ट आप इसको फर्स्ट देखें और एंड वाला रिजल्ट देखें ये एमसीक्यूज वगैरह आएंगे. लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक ये एल एल स्केयर है यहाँ पे उसके मुताबिक रिजल्ट इसका देख लें. तो जो मोस्टली आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट और जीरो वगैरह आ रहे हैं उनको देखें, वो एमसीक्यूज वगैरह इंपॉर्टेंट अक्सर आ जाते हैं. लोअरिंग एंड द राइजिंग ऑपरेटर एल प्लस और एल माइनस, तो इसके मुताबिक आ जाएगा. ये देख सकते हैं टू एच कट और उसके बाद एल जेड की कुल आ रहा है. लोअरिंग राइजिंग लैडर ऑपरेटर ए प्लस स्मॉल ए एंड द स्मॉल ए माइनस यू प्लस, इसके मुताबिक आ रहा है हाफ एच कट ओमेगा, इट मींस दिस इज द जीरो पॉइंट एनर्जी. तो अब वही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लेकर चलेंगे. व्हाट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बेसिकली होता क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द टू ऑब्जर्वेबल ए एंड बी simultaneously, मतलब एट अ टाइम हम मेजर नहीं कर सकते. अब ऑब्जर्वेबल वो होते हैं जैसे हमने पोजिशन और मोमेंटम का नाम दिया था लास्ट टाइम हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सिमिलटेनियसली वेरी इंपॉर्टेंट, ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है. एट अ टाइम सिमिलटेनियसली हम पोजिशन और मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते टू ए फाइनाइट एक्यूरेसी के साथ. इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट दैट कैन मेजर द सिमिलटेनियसली टू कम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स to unlimited accuracy. It is stated that of the two variables are represented by the two Hermitian operators A and B and these operator do not commute A B minus B A not equal to zero. Then it is impossible to simultaneously exactly at a time measure the two variable. The generalized form of the uncertainty principle. ये important है, इसको आप highlight कर लें. ये generalized form है uncertainty principle. तो ये बहुत ही important terms हैं और जिस तरह हमने श्रेडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी इसी तरह हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का क्वांटम फिजिक्स के अंदर काफी ज्यादा रोल है. इसको आपने अच्छे से समझना है. पोजीशन और मोमेंटम को हम एट अ टाइम हम नहीं फाइंड कर सकते किसी भी पार्टिकल की, क्योंकि कौन सा पार्टिकल उस टाइम का किस पोजीशन पे है. तो मतलब कि अगर हम पोजीशन को एक्यूरेट फाइंड कर लेंगे तो उसकी एनर्जी के बारे में हम अनसर्टेनिटी वहां पे हम, क्योंकि हम पार्टिकल्स को लेके चल रहे हैं वहां पे वेव्स की शक्ल में, इस वजह से वहां पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वहां पे हम अप्लाई करते हैं.
तो अब हम देखेंगे पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मैथमेटिकली टर्म को देख लें, ये एग्जाम में आ जाता है, प्रूव नहीं आता, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट देख लें। डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर टू, वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन और मोमेंटम को हम एट अ टाइम फाइंड नहीं कर सकते, तो ये अनसर्टेनिटी इसका इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लें। एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी क्या होती है इसको देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका रिलेशन डेल टी डॉट डेल ई ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर टू। तो जिस तरह हमने ऊपर बात की, इसी तरह नीचे है टाइम और एनर्जी के दरमियान ये रिलेशन है। Another interesting application of the uncertainty relation is to be the orbital angular momentum of the particle. तो orbital angular momentum भी ये conditional आ जाती है, उसके बारे में नहीं बता सकता exact. तो del lx del ly greater than equal to 1 over 2 h cut. तो उसके बाद ये mod, उसके बाद ये greater than less than lz operator greater than, उसके बाद mod. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।